विदिशा में जिला अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज न मिल पाने के कारण मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिससे अस्पताल में अव्यवस्था फैल गई है। अस्पताल में एक एक बेड पर दो दो मरीज को रखा जा रहा है। कुछ मरीजों ने बताया कि पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से बाहर से जाकर पानी लाना पड़ रहा है। साथ ही साथ स्टाफ ना होने से कुछ डॉक्टर ठीक ढंग से देखरेख नहीं कर रहे हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन प्रभारी सीएमएचओ संजय खरे का कहना है कि सीमित व्यवस्था के साथ ज्यादा मरीजों को देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके साथ ही उन्होंने व्यवस्था की कमी की भी बात स्वीकार की। उनका कहना है 300 बिस्तर का अस्पताल हमारे पास है, जबकि 500 मरीज भर्ती हैं। ऐसे में एक बेड पर दो मरीजों को रखना पड़ रहा है। ये नर्सों की हड़ताल की वजह से यहाँ पे मरीजों को छुट्टी कराने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, क्योंकि नर्सों का काम डॉक्टरों को करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मरीजों पर चढ़ के भी पड़ रहे हैं वो लोग, और मरीजों की छुट्टी में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। और क्या व्यवस्था है? और व्यवस्था ऐसा है कि यहाँ पे बाथरूम में 3 दिन से यूरिन पॉट का जो पानी है वो लगातार बह रहा था, तो मैंने यहाँ पे शिकायत भी की थी, लेकिन 2 दिन में अभी भी कोई सुधार नहीं आया उसको, लगातार पानी फैल रहा है। छुट्टी नहीं दे रहा है, ना कोई इलाज बोल रहे हैं कि इसका VBL कम है, तो मैंने बोला छुट्टी कर दूँ। छुट्टी के अलावा पहले अभी उनकी इलाज चल रहा है, कौन सा इलाज चल रहा है, तो उन्होंने बोल दिया कि इसको खून की कमी है, तो खून की कमी मैंने बोला मैंने खून की कमी 3-3, 4-4 बार खून निकाला गया, 3-4 बार शरीर निकाल रहे तो निकाला मैंने, आप खून की कमी बता रहे हो घर में, छुट्टी क्यों नहीं हो रही, खून निकाल रहे हो आप, खून निकालते जा रहे हो, खून की कमी बता रहे हो, ना कोई इलाज है, ना कोई साबूत है, ना छुट्टी दे रहा है, छुट्टी की मांगते हैं, छुट्टी भी नहीं देखी। और अस्पताल में क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है, व्यवस्था कुछ नहीं है, लेट रूम को हमको लद्दी जाना पड़ता है, कुछ नहीं, पंखे भी ऐसे ही हैं। मेरे पास वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, मेरा 300 बेड का अस्पताल है और इस पर कम से कम 500 से ज़्यादा मरीज रहते हैं। उसके लिए मैंने पत्र लिखा है, संसाधन उपलब्ध होते साथ मैं सबको एक एक बेड दूंगा। और दूसरा, आप लोगों को भी पता है कि पहले हम जब पुराने परिसर में थे तब हमारे पास सेवाएं कम थी, नए अस्पताल में थोड़ी सी सेवाएं बढ़ी हैं, जिसके कारण लोगों का संख्या भी इलाज करवाने की या डिलीवरी कराने की बढ़ी है। पहले हम करीब 100 या 150 डिलीवरी करते थे।